हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही ज्यादा चटपटा सा, कुरकुरा सा, करार सा नाश्ता, जिसके सामने आप समोसा और कचौड़ी को भूल जाएंगे। ये नाश्ता जितना ज्यादा चटपटा है, कुरकुरा है, करारा है, उससे ज्यादा ये हेल्दी है, क्योंकि ये बनने वाला है 1 चम्मच तेल में। तो फ्रेंड, इस समय गर्मियां इतनी तेजी से बढ़ रही है, ऐसे में मन नहीं करता है बहुत ही ज्यादा ऑयली चीजें खाने का। नाश्ता ऐसा होना चाहिए जो टेस्टी होने के साथ साथ कम तेल का हो, हल्का फुल्का सा हो। तो आज एक ऐसी रेसिपी लेके आए हैं जो टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है और आप इसे खाकर वेट भी कम कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पहले अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून तक ऑयल, आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। और ऑयल को अच्छे से गर्म करने के बाद अब इसमें हम 1/4 चम्मच डालेंगे जीरा और 2 चुटकी हम इसके अंदर डालेंगे हींग। हींग डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अगर आपके पास हींग ना हो तो आप इसको हटा भी सकते हैं। थोड़ा सा हम इस पे डालेंगे अजवाइन और सारी चीजों को हम 10 से 15 सेकंड अच्छे से चटकने देंगे। अब यहाँ पे हम लेंगे 1 इंच का अदरक और ये 2 हरी मिर्च, जिसको मैंने इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया। इसको डालकर हम 10 से 15 सेकंड अच्छे से भून लेंगे, काला बिल्कुल भी नहीं करना है। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज की प्याज, जिसको इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया है। अगर आप प्याज नहीं खाते तो इसको हटा सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से प्याज हमारी बिल्कुल लाइट सी पिंक हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे गाजर। तो यहाँ पे गाजर को मैंने ग्रेट करके लिया है, आप चाहे तो इसे छोटे छोटे पीस करके भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे पतले वाले ग्रेटर से गाजर को अच्छे से ग्रेट कर लिया है, इससे बहुत ही अच्छा लुक आएगा। गाजर को भी हम 10 से 15 सेकंड अच्छे से भून लेंगे। तो अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च। तो यहाँ पे मैं ग्रीन वाली इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो येलो और रेड वाली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शिमला मिर्च में पाया जाता है बहुत सारा कैल्शियम, जो बच्चों के विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो बच्चे वेजिटेबल खाते नहीं, तो आप इस तरीके से नाश्ते में उनको छुपा के खिला सकते हैं। और अब इसको हम अच्छे से 10 से 15 सेकंड वापस से भून लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे बच्चों के फेवरेट आलू। बच्चों को आलू बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज का आलू लिया, जिसको बॉईल करने के बाद इस तरीके से मैश कर लिया है। तो आप चाहे तो आलू को ग्रेट भी कर सकते हैं, मैश या ग्रेट जो भी करना है, आलू को ठंडा करके ही करना है, गर्म आलू का इस्तेमाल इसके अंदर नहीं होगा। और यहाँ पे वेट में बताऊँ तो आलू हमारा 100 ग्राम था और नाप में बताऊँ तो 2 मीडियम साइज के आलू थे। अगर आपका आलू बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आप सिर्फ 1 आलू लेना। अगर आप आलू नहीं खाते तो आप इसकी जगह पे पनीर ऐड कर सकते हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो नमक आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, जितना आप खाते हैं उतना डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसमें डालेंगे टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी, ज़्यादा हल्दी नहीं जाएगी। और थोड़ा सा इससे 1 चुटकी डालेंगे काश्मीरी लाल मिर्च। ये बिल्कुल भी तीखा नहीं होता है, अगर आपके पास ना हो तो आप इसको हटा भी सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। तो अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं कुटी हुई लाल मिर्च डालूंगी, आप चाहे तो किसी वाली भी डाल सकते हैं। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून तक लाल मिर्च कुटी वाली। ये गई हमारी 1/2 टीस्पून तक कुटी हुई लाल मिर्च। तो फिर लाल मिर्च डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे नींबू का रस, जिससे हमारा नाश्ता काफ़ी ज़्यादा चटपटा होगा। अगर आपके पास नींबू ना हो तो आप इसकी जगह पे वाइट विनेगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बीज भी चला गया, इसको मैं निकाल लेती हूँ। ये देखिए, अब इसको डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और इसको डाल के हम 10 से 15 सेकंड वापस से मिक्स करेंगे। ये हमारा 1/4 चम्मच तक गरम मसाला, जो मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। और इसको डाल के हम इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम लास्ट में डालेंगे थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा हरा धनिया, जिसको मैंने एक साथ मिक्स करके इस तरह से कट कर लिया है। यहाँ पे ख्याल ये रखना है कि हरा धनिया और पुदीना को अच्छे से वॉश करने के बाद फैन के नीचे रख देना, जब उसका सारा मॉइस्चर यानी पानी खत्म हो जाए तब कट करके डालना। तो यहाँ पे आप इसको चख लीजिए, अगर आपको कुछ भी कम ज्यादा लगे तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, बाद में आप इसमें ऐड नहीं कर पाएंगे। तो हरा धनिया और पुदीना हमने 10 से 15 सेकंड अच्छे से कुक कर लिया है, इससे ज्यादा हमें इसे नहीं कुक करना है, नहीं तो इसका जो टेस्ट है वो भी बेकार हो जाएगा और लुक भी अच्छा नहीं आएगा। फ्रेंड, यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज का बर्तन लिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे क्या, हम इसमें डालेंगे सूजी, जिसको रॉ भी बोलते हैं, सवेदना भी बोलते हैं। वेट नहीं हमारी 100 ग्राम है, नाप में कटोरी है, आप कप से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बारीक वाली इस्तेमाल की है। अगर आपके पास मोटी आली है तो एक बार मिक्सी जार में डाल के ग्राइंड कर लेना, बारीक हो जाएगी। तो ये गया हमारा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक हमें कम ही इस्तेमाल करना है। थोड़ा सा हम इसके ऊपर डालेंगे अजवाइन, जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। ये गया हमारा 1/2 टीस्पून तक ऑयल, आप घी और बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल मत डालना। अब 1 चुटकी हम इसके अंदर डालेंगे हींग और अब इसमें हम डालेंगे क्या, दूध।
तो दूध आपका रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। दूध डालने से हमारा नाश्ता काफी ज्यादा फ्लफी और काफी ज्यादा सॉफ्ट बनेगा। यहाँ पे मैंने आधा कप दूध का इस्तेमाल किया। अगर आपके पास दूध ना हो तो आप इसकी जगह पे छाछ भी ले सकते हैं या फिर आप इसके बिना ही बना सकते हैं, लेकिन दूध डालने से बहुत ही अच्छा टेक्स्चर आएगा। तो यहाँ पे इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका बैटर बनाएंगे। तो ख्याल ये रखना है एक साथ पानी नहीं डालना है, 3 से 4 चम्मच पानी डाल दिया, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे जो हमें बैटर बनाना है बहुत ज़्यादा ना गाढ़ा होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए, इस बात का हमें ख्याल रखना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है पहले, और अब इसके बाद हम इसमें और पानी डालेंगे। तो एक गिलास छोटा वाला पानी मैंने इस्तेमाल किया था जिससे मैंने 3 से 4 चम्मच पानी बचा लिया है, ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। और अब हम क्या करेंगे, इसको कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि सूजी हमारी अच्छे से फूल जाए और कोई भी मसाले इसके अंदर नहीं जाएंगे। तो चलिए इसको 5 मिनट के बाद चेक करेंगे। तो फ्रेंड पैन को हम अच्छे से गरम कर लेंगे, ना इसमें घी डालेंगे ना बटर डालेंगे ना ऑयल डालेंगे। पैन को गरम करने के बाद इसमें हम 1 साबुत खड़ी लाल मिर्च और 5 से 6 कलियां लहसुन की डालेंगे जिसको हम छिलके के साथ डालें, इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और अब इसमें हम 2 चम्मच डालेंगे मूंगफली। तो यहाँ पे कच्ची मूंगफली का इस्तेमाल किया है, मूंगफली को हमें धीमी धीमी आंच पर अच्छे से भून लेना है। तो ये देखिए कलर आ गया। अब इसमें हम 1 चम्मच डालेंगे सफेद तिल। अगर आपके पास सफेद तिल ना हो तो आप इसकी जगह पे नारियल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी नारियल का बुरादा ले सकते हैं या फिर फ्रेश वाला नारियल भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे तिल को भूनने में बहुत ही कम टाइम लगता है, इसीलिए हमें इसको मूंगफली को भूनने के बाद डालना है ताकि ये बिल्कुल भी काला ना हो। अगर ये काला हो जाएगा तो लुक भी नहीं अच्छा आएगा और टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा, इसमें कड़वापन आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने इसको भून लिया है, इससे जरा हमें तिल को नहीं भूनना है। सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो गई। जब ठंडी हो जाएगी तब हम क्या करेंगे, सबसे छोटा ना मिक्सी का जार लेंगे, उसके अंदर हम इसको ट्रांसफर करेंगे। ये देखिए अब इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, जितना नमक खाते हैं उतना डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 1/2 टीस्पून डाली हूँ। 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे जीरा, बस ज्यादा जीरा नहीं डालना है। और 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हम 3 से 4 चम्मच पानी डाल देंगे, इससे ज्यादा पानी नहीं डालना है। अब इसको हम कवर करके इसका अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। फ्रेंड देखिए बिल्कुल अच्छे से मैंने इसको पीस लिया है और अब हम क्या करेंगे, इसको फटाफट ट्रांसफर कर लेंगे। अगर आपको लगे कि बहुत ज्यादा गाढ़ा है तो आप 2 से 3 चम्मच पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा पतला मत रेडी करना। ये देखिए आप इसे ऐसे भी एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर लगाऊंगी तड़का जिससे इसका जो टेस्ट है वो भी बहुत ही अच्छा हो जाएगा, लुक भी प्यारा हो जाएगा। देखिए तड़का पहले मैंने 1 चम्मच तेल लिया, इसको अच्छे से गर्म कर लिया। अब इसमें हम थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे सरसों और कड़ी पत्ता और इसको डाल के हम 10 से 15 सेकंड चटका लेंगे। देखिए असल से चटक गया। इसमें हम 1 चुटकी हींग डाल देंगे लास्ट में और ये गर्मा गर्म तड़का हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और तड़का रहने के बाद इस तरीके से छनने की जो आवाज आती है उससे पता चलता है कि तड़का आपका कितना ज्यादा बढ़िया तरीके से लगा है। ये देखिए तड़का रखने के बाद चटनी का जो टेक्सचर है वो भी अलग लेवल का हो जाता है, टेस्ट तो दुगना ही हो जाता है, और दूसरी बात लुक बहुत प्यारा होता है, और तीसरी बात आप इस चटनी को 10 से 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। 5 मिनट हो चुका है सूजी को रेस्ट पे रखे हुए, चलिए इसको खोल के देख लेते हैं। तो ये देखिए सूजी हमारी कितने अच्छे से फूल गई है, और इस तरीके से हमें सूजी को बिल्कुल अच्छे से फुलाना है। तो यहाँ पे अगर आपको लगे कि बहुत ज्यादा गाढ़ा हो गया तो आप 1 से 2 चम्मच पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल अच्छे से ये देखिए सूजी फूल गई है, गाढ़ा बिल्कुल भी नहीं है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा इनो। तो यहाँ पे देखिए ये जो इनो वाला पैकेट होता है, कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं आप, इसका हम थोड़ा सा अमाउंट डालेंगे, ज़्यादा नहीं, तो सिर्फ 1/2 टीस्पून तक हम डालेंगे। और यहाँ पे डालने के बाद इसके थोड़ा सा हम पानी भी डाल देंगे ताकि क्या होगा कि ये एक्टिवेट हो जाए। ये देखिए इस तरीके से पानी डाल देना है इसको एक्टिवेट करने के लिए, और इसको डाल के बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो सिर्फ 1/2 चम्मच डालना है। अगर आपके पास इनो ना हो तो आप थोड़ा सा बेकिंग पाउडर या सोडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे इनो डालने के बाद आपको एक टिप और देंगे कि आपको एक ही डायरेक्शन में इसको चलाना है, ऐसा नहीं कि एक बार चम्मच इस तरफ से एक बार चम्मच इस तरफ से, ये गलती नहीं करनी है। इससे क्या होगा कि आपका ये नाश्ता है ये कभी भी फ्लफी नहीं बनेगा। तो ये देखिए इस तरीके से बना दिया। अब हमें बिल्कुल भी इसको रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इनो का इस्तेमाल किया है। अब हम क्या करेंगे, जो स्टफिंग हमने रेडी की थी उसको हम यहाँ पर निकाल लेंगे फटाफट। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो गई है, और अब हम क्या करेंगे इसको बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने ग्लास लिया है, आप चाहे तो कटोरी भी ले सकते हैं। अब इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। ये गया हमारा थोड़ा सा ऑयल, और ऑयल डाल के अब अच्छे से इसको इस तरीके से उंगलियों की सहायता से अप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं, तो उंगलियों से मुझे आसानी लगती है इसीलिए मैं उंगली से कर रही हूँ, आप चाहें तो ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो हमारा बैटर था इसको हम इस तरीके से फेंट लेंगे और यहाँ पे हम इसको डालेंगे।
तो यहाँ पे हमें सिर्फ आधा डालना है। इस तरह से मैंने आधा डाल दिया है और यहाँ पे ये जो हमारा था इसको हम ले लेंगे और इस तरीके से हम इसका एक सिलेंडर शेप में रेडी करेंगे और यहाँ पे हम इसको इस तरह से बीचों बीच में एडजस्ट कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल बीचों बीच में। और अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा बैटर और डालेंगे, बहुत ज्यादा भर के मत डालना क्योंकि ये पकने के बाद ऊपर आ जाएगा, अगर आप पूरा भर देंगे तो ये बाहर निकल जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से रेडी हो गया है, चलते बनाने के प्रोसेस की तरफ। उससे पहले हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसको टैप टैप कर देंगे ताकि जो हवा होगी वो निकल जाए और बिल्कुल अच्छे से बैटर हमारा चारों तरफ से फैल जाए। आ गया गैस की तरफ। यहाँ पे मैंने एक प्रेशर कुकर लिया, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी रखा है 1 से 2 गिलास और इसको अच्छे से बॉइल कर लेंगे। कोई भी स्टैंड रखने की जरूरत नहीं, अब इसके अंदर हम अपने गिलास को रख देंगे और यहाँ पे हमें क्या करना है, जो ढक्कन होगा उसका हमें इस तरीके से विसल निकाल देना है, यानी सीटी को अलग कर देना है और अब इसको हम कवर कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने कवर कर दिया है। अब यहाँ पे हम इसको 5 मिनट तक स्टीम करेंगे। अगर आप चाहे तो स्टीमर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं, एक कढ़ाई ले सकते हैं, उसके अंदर स्टैंड रख सकते हैं, उसको भी स्टीम कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही आसान तरीका है, इससे ये सिर्फ 5 मिनट में अच्छे से स्टीम हो जाएगा और आपको खोलने का भी झंझट नहीं है। तो चलिए 5 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे। फ्रेंड 5 मिनट हो चुका है, चलिए इसको खोल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें वेट करने की भी जरूरत नहीं क्योंकि हमने सीटी नहीं लगाई थी, अब इसको हम आराम से खोल लेंगे। देख सकते हैं आप लोग इसका रिजल्ट कितना बेहतरीन आया है। तो 5 मिनट में ये बिल्कुल अच्छे से कुकर में रेडी हो जाता है, इससे कम टाइम में आप इसे स्टीमर में नहीं बना पाएंगे। अब इस तरीके से नाइफ लीजिए और इसके अंदर इस तरह से डालिए और निकाल लीजिए। तो देखिए जो हमारा नाइफ था बिल्कुल अच्छे से क्लीन निकला है। और ये देखिए दोबारा डाल के दिखाती हूँ, ये देखिए हर तरफ से आप डाल के इसको देख सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हो गया है। तो अब इसको हम निकाल लेंगे और हल्का सा ठंडा होने के बाद इसको कटिंग करेंगे। तो अगर आप इसे ऐसे ही छुएंगे और कट करेंगे तो ये टूट जाएगा, तो इसको ठंडा कर लेते हैं अच्छे से। हो चुका है, अब इस तरीके से हम नाइफ को हल्का हल्का सा इस तरह से कर लेंगे, इससे क्या होगा ये बिल्कुल साइड से छोड़ देगा। अब इस तरह से करने के बाद हम इसको इस तरह से पलट देंगे, थोड़ा सा टैप टैप करेंगे, ये देखिए तो ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। ये देखिए कितना जरा खूबसूरत लग रहा है और कितना जरा खूबसूरत लगने के साथ साथ कितना जरा जालीदार बना है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम इसके ऊपर कट लगाएंगे बहुत ही आराम से प्यार से, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। ये देखिए कितना ज़रा प्यारा सा लुक आ रहा है। देंगे अब आप ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं चाय के साथ, केचप के साथ, मोमोज चटनी के साथ, लेकिन मैं इसके ऊपर लगाऊंगी तड़का। अब पैन में मैंने थोड़ा सा तेल लिया 1/2 चम्मच तक, आप घी और बटर भी ले सकते हैं। अब इसमें हम 1 इंच तक हींग डाल देंगे, थोड़े से कड़ी पत्ते डाल देंगे जिसको मीठी नीम भी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने 3 चीजें मिला ली है, थोड़ा सा मैंने 1/2 चम्मच लिया है जीरा, 1/2 चम्मच मैंने लिया है सरसों, 1/2 चम्मच लिया है सफेद तिल और इसी के साथ इसमें थोड़ा सा डालेंगे कामेली लाल मिर्च जिससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। और इसको डालने के बाद अब इसके ऊपर अपना नाश्ता हम लगा देंगे। ये देखिए और इस तरीके से हम हल्का सा इसको मिक्स कर लेंगे ताकि जो तड़का है हमारा बिल्कुल अच्छे से ऊपर लग जाए। अब इसको हम 10 सेकंड पकने देंगे, अब इसको हम टर्न कर देंगे। ये देखिए कितना जरा खूबसूरत सा लुक आ गया है। तो आप चाहें तो बिना तड़के के भी इसे एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन तड़का लगाने से इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है, लुक भी अच्छा हो जाता है। अब थोड़ा सा हम इसके ऊपर डालेंगे चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये गया हमारा 2 से 3 चुटकी चाट मसाला। और अब इसको हम दूसरे साइड से भी 10 से 15 सेकंड कुक कर लेंगे। ये देखिए बनकर रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा नाश्ता, जो खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी होने के साथ साथ लाइट वेट भी है और कितना जरा स्पंजी बना है। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितना बढ़िया जालीदार बना है। और यहाँ पे ये वाली चटनी के साथ जब आप इसे चख लेंगे तो आप इसके दीवाने हो जाएंगे। इस चटनी के साथ इसका कॉम्बिनेशन इतना ज्यादा टेस्टी लगता है कि आप एक बार बनाएंगे तो इसके दीवाने हो जाएंगे। जब भी ये नाश्ता बनाएंगे चटनी को जरूर बनाएंगे। तो कैसी लगी आपको हमारी मजेदार सी रेसिपी, जो बहुत ही ज्यादा टेस्टी होने के साथ साथ काफी ज्यादा मजेदार है। और स्टफिंग देखिए कितने बराबर से
फील है। तो मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है, मैं जा रही हूँ एंजॉय करने। आप भी बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए। तुम्हें कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब करना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले, और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। बहुत ही ज्यादा टेस्टी होने के साथ साथ काफी ज्यादा हेल्दी है, और दूसरी बात कम तेल की, और तीसरी बात बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है। तो चलिए मैं तो एंजॉय करने जा रही हूँ, आप भी बनाइए खाइए, और अपने कमेंट के जरिए हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।